मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस घड़ी का था आपको इंतजार उसको लेकर मैं आ गया हूं मेरे यार। तो दोस्तों, आप सभी छात्र छात्राओं एवं मेरे सगे संबंधियों, आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश महारिवीजन की वह प्रश्नावली आपके सम्मुख रखी जा रही है जो यूपीपीसीएस से लेकर के हर एक दिवसीय परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह प्रश्न आपको पूरे हफ्ते में मैंने मंडे टू सैटरडे जो कराया है उसमें के जो चुनिंदा प्रश्न हैं जिन पर आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बन रही है, उन्हीं को हम एक एक करके आपके सम्मुख रखने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, लड़ाई बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। आप सभी को गुड आफ्टरनून। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने। लिखा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला, जी हाँ, अनुपाते पुरुष संख्या का अनुपात क्या रहा है। दोस्तों, लिखा है 878 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर, ठीक है, 898 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर, 912 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर, 928 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वह आपकी सबसे बड़ी जनसंख्या है पूरे भारत में। और लिंगानुपात, जी हाँ दोस्तों, 1961 के बाद जब उत्तर प्रदेश का लगातार दो अर्थात दशकीय जनगणना के दौरान गिरा था तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था दोस्तों, एक, जी हाँ दोस्तों, विटम परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि लड़कों की चाह ज़्यादा है, लड़कियों की चाह कम है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आया है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा लिंग अनुपात है वो 912 है, ठीक है ना दोस्तों, वह हमारा 912 है, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार, जी हां, 898 है। पहला प्रश्न है, कंपटीशन नहीं कराया हूं दोस्तों। आप सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जी हां दोस्तों, काजल जी, वसीम बिट्टो साहब, मिश्रा इनोसेंट साहब, प्रियंका जी, प्रियंका प्रजापति, समस्त छात्र छात्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। 912 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। पूरे भारत में 943, जी हां दोस्तों, 1000 महिलाओं, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो इस तरह 14 की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, जी हां, पिछले के मुताबिक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, कमेंट करिए भाई, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए भैया। जी हां, सुभी दुबे साहब, सालनी साहब, काजल पाल साहब, करुणा राजपूत जी, ठीक है ना दोस्तों, राजेश वनारसी बाबू, बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, ये याद रखिए गानी, गेहूं प्रमुख फसल है। क्या है, प्रमुख फसल गेहूं है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है ना दोस्तों, पंजाब हरियाणा इसके बाद स्थान रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना भी है लेकिन वह वाणिज्यिक फसल है, यह याद रखिएगा, सबसे प्रमुख फसल है गेहूं, तो यहां से नोट करने वाली बात है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल 1947 से लेकर 1949 तक देश की पहली राज्यपाल अगर जो निकल करके आती है वह सरोजनी नायडू जी को कौन भूल सकता है। भारत कोकिला के नाम से पूरे भारत में प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक चीज देखिए दोस्तों,
प्रथम महिला राज्यपाल दिया, प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिया। पूरे भारत में सबसे पहला राज्य है जो माताओं बहनों के सम्मान में आगे निकल करके आया है। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे दोस्त। तो सरोजिनी नायडू साहब को नहीं भूल सकते आप। 1925 का कानपुर अधिवेशन है करने की अध्यक्षता जी जो की है सरोजिनी नायडू साहब, पूरे भारत की प्रथम महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जबकि पूरे भारत को अगर हटा दिया जाए, भारत को छोड़ा जाए, तो एनी वेसेंट 1916 में, जी हाँ दोस्तों, प्रथम अधिवेशन करने वाली कांग्रेस की महिलाओं में गिनी जाती हैं। तो इन सरोजिनी नायडू साहब को याद रखने वाली बातें हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। सभी बच्चे अर्थात आंसर दे रहे हैं भैया, फरुखाबाद जाना जाता है। किसके लिए फरुखाबाद जाना जाता है? कालीन की बुनाई के लिए भदोही जाना जाता है। कांच की वस्तुओं के लिए बताया जा रहा है दोस्तों, कांच की वस्तुओं के लिए फैजाबाद जाना जाता है क्या? इत्र के निर्माण के लिए कन्नौज जाना जाता है क्या? हाथ की छपाई के लिए कौन जाना जाता है? तो हाथ की छपाई के लिए, जी हाँ दोस्तों, फरुखाबाद जाना जाता है। क्या गजब का कंपटीशन हो रहा है भाई, बहन बेटिया भाई लोगों में जबरदस्त है जो कंपटीशन देखने को मिलता है हमें, एकदम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बेटा। लोग, ये महारिविजन की क्लास है और आप लोगों का इतना तेजी से कमेंट्स चल रहा है कि दोस्तों नाम ले पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। कहीं गलती से मुझसे, जी हाँ दोस्तों, लड़कियों का नाम निकल आया या फिर लड़कों का नाम निकल आया तो बोलेंगे सर पहले मैंने आंसर दिया, फिर बोलेंगे मैंने आंसर दिया। एक विवाद का कारण, जहां विवाद होता है भीम वहां समाधान भी कराता है, ये याद रखिएगा। आप सभी छात्र छात्राएं हमारे जिगर के टुकड़े हैं और देखते रहिए मजे के साथ साथ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ लिया। राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश, राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक, राजकीय, जी हाँ दोस्तों, पक्षी पूछा तो सारस या कौंच भी कभी कभी लिख करके आता है। तो नोट कर लीजिएगा भैया, क्या कौंच भी लिख करके आता है। राजकीय अगर, जी हाँ दोस्तों, पशु पूछे, जानवर पूछे तो क्या बताओगे आप? बारह सिंघा, जी हाँ दोस्तों, ये तो दस ही नजर आएंगी। अगर दो इधर ले लिया जाए कि दो ये है तो दस ऊपर है, तो जी हाँ दोस्तों, बारह सिंघा है। अब ये नहीं कि सर आप एक्टिंग कर रहे हैं, बारह सिंघा वाला है, तो कहीं ऐसा नहीं हम ही को बना दीजिएगा। चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत शानदार। 99% बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, जो नए छात्र जुड़े हैं स्टडी 91 परिवार, उन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चार कुलह प्रमुख लोक नृत्य है। चार कुलह लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है और यह ब्रज भूमि के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्या? ब्रज भूमि के क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बाप रे वाह, क्या बात है दोस्तों, ब्रज भूमि में चार कुलह नृत्य जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कई लोक नृत्य है, ये याद रखिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथक। याद करने वाली बात है। किसका नाम भैया? कथक का नाम जरूर याद करिएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश पूरे भारत में आंवला के उत्पादन में अग्रणी आता है मेरे दोस्त। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो आंवला, जी हाँ दोस्तों, बना मतलब पैदा करता है, उसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पहले दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध था, याद रखना। दशहरी आम जो अर्थात आता है दोस्तों, वह प्रतापगढ़ के बहुत सारे बागान मिलते हैं आपको, मतलब आम के बागानों में, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां से याद रखिएगा। वीडियो का बैच अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वह ले सकता है। अगर जो लोग लिए हैं वीडियो का बैच, वह वीडियो की पुस्तक भी घर बैठे परचेज कर सकते हैं, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इतने अच्छे समस्त बच्चे हैं, देख करके अच्छा लगता है। विवा भारती बेटू, जो आपका कमेंट्स मैंने कल देखा, वह मैं उसको बता देता हूँ। विवा भारती बहना, आपने कहा कि सर आप हमारे मैसेज का ध्यान नहीं देते हैं कि बिहार से संबंधित हमने आपसे जानकारी। देखो बेटू, विभा जी, बिहार से आपको जो बीएड की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप चुपचाप मेरा जीएस का पेपर देखते रहिए और अमरेश सर ने जो बिहार स्पेशल पढ़ाया है उसको
को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, हिंदी तैयार कर लीजिए, मैथ तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा रीजनिंग तैयार कर लीजिए, आराम से सिलेक्शन निश्चित मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ये बातें मैं बता देता हूं। आगे चलता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड आया, कब से आया? उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान आया, कब से आया? सब पढ़ाया हूं, कमेंट्स कौन करेगा सबसे पहले? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना आई। जी हां, मध्यांतर मतलब दोपहर का समय का जो भोजन मिलता था दोस्तों, वही है। जब भी भोजन का नाम आता है तो एकदम मतलब शरीर एकदम उमंग से हो जाती है। दोस्तों मैं खाने का बहुत बड़ा प्रिय हूं, याद रखिएगा। कभी भी अगर कोई पूछ लेता है कि बेटा खाना खाओगे का, तो फिर मना करने का मन नहीं करता, पहले लाओ देखते हैं, खा लिया जाए, फिर उसके बाद जो सोचना है सोचते रहिएगा। तो कहने का मतलब कभी घर आएंगे तो पूछना नहीं, नहीं खाना तो जरूर खाएंगे। तो मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था कब दोस्तों? 1995 में। कब ये? 1995 में ये चालू हुआ था। मायावती जी जब हमारे है, याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उसी समय यहाँ, जी हाँ दोस्तों, काफी तेजी से जी हाँ प्रचलित हुआ था। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और जी अब कुछ कह नहीं सकते हैं, धांधली बाजी तो है यह है। आगे लिखा है, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते हुए चावल है, ठीक है ना दोस्तों, खेल का सब मिट्टी के बर्तन है, रबर का उत्पादक। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मेरठ हमारा कहां पर है। अच्छा हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में आलमगीरपुर जो है वह मेरठ में है, मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह वही हिंडन नदी है जो आपका नोएडा में बहते हुए जाकर के यमुना की सहायक नदी बहती है बाई ओर से। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, मेरठ खेल के समान के लिए जाना जाता है, खेल के सम्मान के लिए जाना जाता है। मेरठ 1857 की क्रांति में केंद्र स्थल बना था क्या दोस्तों? कमेंट्स तो ये भी बनता है ना। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने एक के बाद एक बताया है, अच्छा लग रहा है देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानगी जी, हाँ दोस्तों, जूली साहब जी, हाँ दोस्तों, ज्योति साहब, बहुत सारे गुड़िया गुड्डो ने आंसर दिया है जी, हाँ दोस्तों, नैतिक साहब, उत्तम चतुर्वेदी, कुलदीप कुमार साहब, बहुत सारे बच्चों ने भी आंसर दिया है, अच्छा लग रहा है देख करके। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बदायूं है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम अर्थात मतलब शिक्षित जो जिला है वह है श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती है। पुरुषों की भी साक्षरता दर कम है, महिलाओं की भी साक्षरता दर कम है। सबसे ज्यादा पुरुषों की साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, लेकिन महिलाओं की जो है वह कानपुर की है। यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आप लोग यहां से भी आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 50+ क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट्स करते जाइए जल्दी से जल्दी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, गोविंद वल्लभ पंत नगर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वह शारदा नहर है। पूरे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है। गोविंद वल्लभ पंत जो एक सागर में नहर परियोजना बनाई गई है, यह सोनभद्र के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकसित है। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा विकास कर रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस भू भाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? हमने आपको बताया था दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो कहां होती है? गोरखपुर में होती है। कहां होती है? गोरखपुर में होती है, और गोरखपुर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। तो कहने का मतलब पूर्वी पार्ट में ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन दोस्तों यहां पर तराइन का जो इलाका दिया है, उस
तराइन के इलाके में 120 सेंटीमीटर से लेकर के 180 सेंटीमीटर है औसतन वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी पठारीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर है अर्थात वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में याद रखना गोरखपुर में 184.4% के आसपास है सेंटीमीटर में, सॉरी प्रतिशत ना लिखिएगा, सेंटीमीटर में वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में औसतन वर्षा जो होती है दोस्तों, औसतन वर्षा ये याद रखना पूर्वी वाले पार्ट में सबसे ज्यादा होती है, 112 के आसपास होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा औसतन वर्षा कितना है तो 118 सेंटीमीटर है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा याद रखने वाली बातें हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दिया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है, मतलब बंगाल की खाड़ी, उस बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून ज्यादा आता है और उस मानसून को पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है दोस्तों? चर्चा का विषय रहता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह प्रयागराज की पावन धरती, जी हां दोस्तों, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम वही है, ठीक है ना दोस्तों, वही है अर्थात उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसमें दोस्तों 10 प्लेटफार्म है और यह एक बहुत बड़े प्लेटफार्मों में भी आता है अर्थात उत्तर प्रदेश का, जी हां। पूरे भारत में तो सबसे बड़ा नहीं है दोस्तों, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो गोरखपुर का सबसे अच्छा स्थान है जो विश्व स्तर में अग्रणी स्थानों में गिना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यह भी याद रखने वाली बातें हैं कि जो अपना प्रयागराज है, प्रयागराज में अकबर का किला है, प्रयागराज जी हां दो इलाहाबाद नाम पड़ा था प्रयाग से, इलाहाबाद वह इलाही संवत 1582 में अकबर ने चालू किया था, उसी के कारण इसका नाम इलाहाबाद रखा गया था। क्या रखा गया था? इलाहाबाद रखा गया था। इलाहाबाद में खुसरोह बाग भी है, ये बातें थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक झूला पुल भी है, जी हाँ, यह यमुना नदी पर है, गंगा नदी पर नहीं है, गंगा नदी पर शास्त्रीय ब्रिज है, जी हाँ दोस्तों, जबकि यमुना नदी पर झूला पुल है और उसी झूला पुल का दीदार करके जाने वाले प्रेमी प्रेमिका, जी हाँ दोस्तों, जब वही नाराज होते तो वहीं से फिर यमुना में छलांग भी लगाते हैं, इसलिए उसे आजकल सुसाइड पुल भी कहा जाता है। जहां तक मुझे पता है उस पुल में जो ऐसे अर्थात पोल लगे हैं उनकी संख्या 27 × 52 × 104, कहने का मतलब लगभग 104 पोल लगे हुए हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख, जी हां, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जी हां दोस्तों, एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत इसका गठन होता है उच्च न्यायालय के, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप सभी छात्र छात्राएं जो हमसे बात करना चाहते हैं, हम आपको बता दें टोटल दोस्तों 50 प्लस प्रश्न है और जल्दी से जल्दी इसे मैं खत्म करना चाहूंगा क्योंकि ये महारिवीजन की क्लास है, सभी बच्चे लगातार प्रश्नों का सही आंसर दे रहे हैं। इसमें दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि ये बहुत आसान प्रश्नावली, जैसे प्रियंका गौर जी ने कल कहा कि सर हमें उत्तर प्रदेश ज्यादा नहीं आता है। बेटू, आपको नहीं आता है तो आप सीखो, जानना जरूरी है, ठीक है। कल आप भले उत्तराखंड से या किसी अन्य राज्य से संबंधित हैं, आपको कल एग्जाम उत्तर प्रदेश से, जी हां पीसीएस आए, भरो, देखो उत्तर प्रदेश लेखपाल भरो, ठीक है, उत्तर प्रदेश टेट सुपर टेट जिसमें भी आपकी योग्यता फिट बैठती है, भर के सिलेक्शन लो यार, अपना भारत है, कहीं पर भी हम लोग रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे सब एक जैसे हो जाते हैं, ये बातें याद रखिएगा। नहीं लिखा है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का बैच हो या फिर दोस्तों सुपर टेट का बैच हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? राज्यसभा में कितना? दोस्तों अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, यहां पर ये सीटें बहुत काम करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं, थोड़ा सा जानना चाहिए यहां से, एक मिनट भैया।
तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, राज्यसभा में कितनी सीटें, माफी चाहता हूँ थोड़ा इमरजेंसी कॉल आ गया था, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 80 हैं, जी हाँ 29 है, 40 है, 31 है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जी हाँ दोस्तों तमिलनाडु, बिहार जैसे राज्यों का नाम आता है, कर्नाटक जैसे राज्यों का नाम आता है, तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट कितना है, 31 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। यह कई बार पूछा जाता है तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब एक किलोमीटर के अंदर मतलब कितने लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं दोस्तों, तो 829 लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व 829। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। भारत का जनसंख्या घनत्व तो है 382, याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है, ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, क्योंकि मायावती बहन की सीट 1 मिली थी, याद रखिएगा, इस समय वह चर्चा में है, जिसका कारण बहुत बड़ा है, याद रखना दोस्तों। तो दो मतलब माताएं, एक 1963 में सुचेता कृपलानी बनी थी, एक 1995 में दूसरी महिला सुश्री कुमारी बहन मायावती जी बनी थी। दो अर्थात दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी मायावती रह चुकी हैं, मतलब सबसे अधिक बार, याद रखिएगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना दोस्तों, तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन साहब थे। वर्तमान में जी हां 18वीं विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश की, और 18वीं विधानसभा में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 18वीं विधानसभा में आपका जो बनाया गया है सतीश महान को बनाया गया है, किसको, सतीश महाना को बनाया गया है, याद रखिएगा। और यह 18वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष है, क्या हृदय नारायण दीक्षित साहब का स्थान लेंगे, कानपुर से विधायक हैं, यह भी बातें याद रखिएगा। तो यूपी में ध्यान देने वाली बात है। भारतीय सब्जी शोध कल्याण, याद रखना दोस्तों, स्थित है। केसरी नाथ त्रिपाठी सबसे ज्यादा विधानसभा पद पर रह चुके हैं, यह भी नोट करने जाएगा, अध्यक्ष पद पर। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है, तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। सब्जी में तो कहते हैं ना आग लगी है, सखी सहिया तो खूब कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, बहुत दिक्कत है। अभी 2-3 दिन से सब्जी थोड़ा डाउन हुई है, इससे पहले तो बाप रे, जब मैं सब्जी लेने गया, याद करिए, मैं कम से कम 2-3 साल बाद सब्जी लेने गया था, सच बता रहा हूं, 2-3 साल बाद सब्जी लेने मार्केट में गया, तो 40 रुपए किलो नेनुआ, ठीक है ना दोस्तों, भिंडी 40 रुपए किलो, ठीक है, आपका जो कटहल है 45 से 50 रुपए किलो, ठीक है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां थी, क्या बताया जाए, ठीक है, क्या बताया जाए, आपको समझ में आना चाहिए। नींबू कितना भैया, तो 10 से 12 रुपए का एक, होश ही उड़ गए मेरे सुन करके। तो ये इस तरह आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगाई है। मैंने जाना दोस्तों कि मैं मतलब 700-800 रुपए ले गया, 2 मिनट में ऐसे झुर्र हो गया, ठीक है, तो सोचिए भैया कि मतलब वो गरीब बच्चे, मतलब घराने के लोग क्या करते होंगे बेचारे, जिनके मतलब दिन भर का अर्थात 400-300-200 कमाई ही है, कैसे गुजारा करते होंगे इतनी महंगाई में। अगर 4-5 बच्चे हो गए तो बाप रे, तब तो समझ लो बहुत बड़ी समस्या होगी। आगे चलते हैं, मैं एकदम रियलिटी बोलता हूं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, कौन थे दोस्तों प्रथम लोकायुक्त, तो यहां पर जी हां विशंभर दयाल साहब हैं, और यही थे। और वर्तमान में कौन है भैया, वर्तमान में संजय मिश्रा, ठीक है, वर्तमान में संजय मिश्रा जी हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। जिस तरह केंद्र स्तर पर लोकपाल होता है, उसी तरह राज्य स्तर पर लोकायुक्त होते हैं। सभी छात्र
रहा है, गजब का आंसर दे रहे हैं भाई, गजब का आंसर। चलिए एक कंपटीशन करा लेता हूं, देख लेता हूं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या वीडियो लाइक और शेयर नहीं होगा? एक बार ताबड़तोड़ सभी लोग लाइक करके संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लिखा सूची वन को सूची टू से मिलाना है, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया? ठीक है, खेल का सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। पीतल की मूर्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मथुरा प्रसिद्ध है क्या दोस्तों? कौन प्रसिद्ध है आपको बताना पड़ेगा। दिया सलाई उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बरेली प्रसिद्ध है क्या? तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाता है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है दोस्तों। इस प्रश्न को कोई मामूली प्रश्न मत समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि खेल का सामान है, पीतल की मूर्तियां हैं, दिया सलाई का मतलब यहां पर माचिस है। अगर ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपके पास इनका जवाब जरूर रहना चाहिए, नहीं तो भाई समस्या का तो सामना पक्का करना पड़ेगा, पक्का करने पड़ेगा। फिर आप हमें नहीं कह सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया नहीं, मैं अपनी तरीके से सब कुछ पढ़ा देता हूं भाई, किसी को कुछ छोड़ता नहीं। चलिए आगे देख लेता हूं दोस्तों। राजस्व लेखपाल से संबंधित नया बैच प्रारंभ है, ठीक है, राजस्व लेखपाल से संबंधित नया बैच प्रारंभ है, जो भी छात्र छात्राएं चाहे वह याद रख ले। दोस्तों मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा, जी हाँ दोस्तों, कि बिल्कुल आकर के देख लें, थोड़ा सा जो बच्चों का मैसेज आ रहा है बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, नाम पढ़ने में मुझे समस्याएं हो रही हैं, हमारे बच्चे उदास ना हो, थोड़ा सा देखना जरूरी होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बच्चे एकदम सही लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में शैल जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जलवायु क्षेत्र कितना है? तो दो है, ठीक है ना दोस्तों, एक आद्र उष्ण, जी हाँ दोस्तों, जलवायु, और दूसरा साधारण आद्र उष्ण जलवायु। तो कहने का मतलब यहां से आप समझ सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में शैल जलवायु क्षेत्र 9 है और पूरे भारत में 15 है। ये प्रश्न अभी हाल ही में टेट में आ चुका है, ये प्रश्न अभी हाल ही में टेट में आ चुका है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम रही है? साक्षरता दर उच्चतम रही है किस भैया? तो गाजियाबाद तो जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जाता है, महोबा सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में जाना जाता है दोस्तों। कानपुर, कानपुर की साक्षरता दर इन सबसे बढ़िया रही है, साक्षरता दर इन सबसे बढ़िया रही है। वाराणसी घाटों की नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घाटों की नगरी कहा जाता है वाराणसी को। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, जी हाँ दोस्तों, हो रही है, कहां हो रही है? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने हाथों के कर कमलों द्वारा, जी हाँ दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया था। और आप जान रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय बहुत ही चर्चा में है। कमेंट्स करिए भैया, देखता हूं सबसे पहला आंसर किसका आता है। 24, जी हाँ दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न है जी, इसको मैं कल ही बताया था, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एकदम सही बात है, जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुभी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियंका जी मिश्रा, इनोसेंट साहब, इनोसेंट रॉकी स्टार, जल्दी से बताइए भैया, जी हाँ दोस्तों, नैतिक साहब, कुलदीप साहब, सभी लोग बताने का प्रयास करें, ठीक है। राधा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए भैया, सबके आंसर आ रहे हैं, झांसी झांसी झांसी, ठीक है ना दोस्तों, एकदम सही बात है, झांसी ही है इसका आंसर। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, मैंने आपको बताया था पूरे भारत में जो जालों की संख्या अर्थात सड़क की पाई जाती है, वह पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में, ये पता होना चाहिए दोस्तों। और सबसे ज्यादा अर्थात अपने उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा है, जिसका नाम पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था, अब बदल करके 19 रख दिया गया है, दिल्ली से, जी हाँ दोस्तों, आपका लंबा प्रोसेस
इस पर दौड़ करके जाता है और ये आपको है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। दोस्तों मैं ये सारे प्रश्न डिटेल में पढ़ा चुका हूँ महारिवीजन में, तब भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बच्चों के कमेंट्स इतने आ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ता रहूं, आराम से खड़ा रहूं, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे नए बच्चे होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ता रहना चाहिए, उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ता रहना चाहिए, तभी मजा आएगा। दोस्त बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। एक दो दिन से तो थोड़ा सा मौसम सही है, लेकिन बाप रे कितना विकराल गर्मी आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए भैया इस गर्मी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश है, कुल कितना है? 11 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें से आपका ललितपुर आता है, झांसी आता है, बांदा आता है, चित्रकूट आता है, ठीक है, कौशाम्बी नहीं आता है, अर्थात इलाहाबाद आता है, मिर्जापुर आता है, सोनभद्र आता है, जी हां महोबा सॉरी, तो इन सारे अर्थात राज्यों में काफी ज्यादा अर्थात भैया हैं, 11 राज्य हैं। ललितपुर एक ऐसा राज्य, मतलब 11 ललितपुर एक ऐसा जिला है, 11 जिलों से लगती है, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से ही सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम सहारनपुर की लगती है। किसकी? सहारनपुर की लगती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला, अच्छा मैंने आपको कल बताया था, जो नए बच्चे हैं वो जान ले, राजस्थान से दो जिलों की मतलब सीमा लगती है। जी हां मैंने बताया, आगरा और मथुरा सब बताया हूं दोस्तों, याद रखिएगा। फिर दिल्ली से दो लगती है, ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली से भी दो ही लगती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीन राज्यों की सीमा सिर्फ एक एक जिले से लगती है। सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश है, सोनभद्र से छत्तीसगढ़ और झारखंड की, ठीक है, बाकी बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और नेपाल, इनकी सीमा जो है दोस्तों 7-7 जिलों से लगती है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए, तो बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वह दोस्तों मथुरा है। ठीक है, कौन सा है? मथुरा है, 54.5, जी हाँ दोस्तों 6 के आसपास, 54.6 सेंटीमीटर के आसपास है, यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर वर्षा होती, पूरे भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, इसके बाद फिर भैया जैसलमेर का स्थान आता है, यहाँ पर दोस्तों आगरा का आता है, मथुरा का आता है। तो पहले मथुरा, फिर पहले नंबर पर आगरा है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो मथुरा पर टिक कर लीजिएगा, ये भी बातें आपसे पूछी जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाता है, तो फिर अब इससे सस्ता सरल प्रश्न कोई हो नहीं सकता वीरो, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, संख्या को और बढ़ाइए भाई। कैसे अर्थात इस मौसम में, जी हाँ, जैसे क्या होता है ना, एक मनुष्य सूखने लगता है, वैसे आपके YouTube पर जो सामने बैठे लोग हैं वह सूखते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम उत्साह से संपन्न होना चाहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में कुछ नहीं, माता पिता की सेवा करते रहिए। माता पिता से बड़ा जीवन में कोई ना हुआ है ना होगा, याद रखिएगा, और उनका दर्जा सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा हमेशा हमेशा। जो माता पिता के दिशा निर्देश से कार्य किया है, वह पुत्र हो या पुत्री, कभी दुखी नहीं हुआ है, हमेशा खुश रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है मेरे दोस्त, हापुड़ है। देखिए दोस्तों, पहले हापुड़ आता है, फिर इससे बड़ा भदोही आता है, ठीक है ना दोस्तों, फिर शामली आता है, फिर
गाजियाबाद का नाम आता है, किसका? गाजियाबाद का नाम आता है क्या? तो कहने का मतलब यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बढ़ते क्रम में लिख दिया हूं। नितिन सर हैंड राइटिंग ई बुक घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं और यह पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति दीपावली को, जी हाँ दोस्तों, शोक पर्व में मनाती है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार कुछ परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा दोस्तों। थारू का स्थान बदलेगा, फिर उसके बाद बुक्सा का स्थान आता है, फिर तीसरे नंबर पर थारू का आता है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जो अपने आप को किरात वंश की बताती है। याद रखना दोस्तों, इनके लिए लखीमपुर खीरी में, जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय भी खोला गया है, ठीक है, एक विद्यालय भी खोला गया है। साथ ही साथ थारू परियोजना का भी संचालन 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था, आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या फिर जनजातीय क्षेत्र सोनभद्र है, सोनभद्र में भी इनके लिए बहुत सारे विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये चावल खाना पसंद करते हैं, तराइन के क्षेत्र में रहते हैं और प्रतिसत्रात्मक होते हैं, दीपावली पर शोक मनाते हैं, तो इस तरह आप जानना चाहिए इनको भी। तो ये है थारू जनजाति, ठीक है ना दोस्तों, थारू जनजाति है। प्रश्न पूछा जाता है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो 1504 और 5 के आसपास सिकंदर लोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना नदी के किनारे। इस समय आगरा ताजमहल पेठा, जी हाँ दोस्तों, पागल खाना और एक के दोस्तों यहाँ पर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरो का जन्म, जी हाँ दोस्तों, कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो को तूतिया हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वह एटा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एटा में ही हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में। मेरा एक आप सबसे प्रश्न है दोस्तों, आज तो बहुत सारे प्रश्न आप ही बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि एटा जो है दोस्तों, यहां इसकी सीमा किससे किससे लगती है? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो ही हैं दोस्तों जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। क्या कमेंट्स तो अब बनेगा दोस्त, गजब की बातें नजर आएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। सन 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर साहब ने किया था, कानपुर से, जी हाँ, नाना साहब तात्या टोपे, मतलब ये लोग आए थे। क्या दोस्तों, ये याद रखना चाहिए, कहां से थे भैया? कानपुर से। नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। क्या, किसने किया था ये बताना पड़ेगा आपको, तो ये जरूर आएगा। और साथ ही साथ आरा से किसने किया था, ये सब मैंने बताया, सब बताया। असम से किसने किया है, झांसी से किसने किया है, लखनऊ से किसने किया है, प्रयागराज से किसने किया है, ये सारा पार्ट मैंने आपको। दिल्ली से किसने किया है, तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का आगाज याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ, बहादुर शाह जफर ने किया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए, बहुत शानदार है। बहुत सारे बच्चे एकदम सही सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है स्नेहा जी, सरस्वती जी, लतिका साहब, ठीक है ना दोस्तों, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल गोविंद साहब, जी हाँ दोस्तों, इतने समझदार बच्चे हैं कि लगातार सिर्फ आंसर दे रहे हैं, आज इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, अच्छा लगा देख करके। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा जो होता है वो नदियों के कटाव द्वारा होता है, फिर उसके बाद पवनों द्वारा होता है, लेकिन पवनों द्वारा पश्चिमी अर्थात उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आगरा है, मथुरा है, मेरठ है, ये सारे क्षेत्र आपके आते हैं, तो यहां से भी बातें आप समझ जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक भाग द्वाब क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? द्वाब क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश की बहुत प्रमुख नदियां जैसे दोस्तों अर्थात गंगा है, यमुना है, चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, रामगंगा है, गंडक है, सोन है, रिहंद है, टॉन्स है, ठीक है ना दोस्तों। ये सब उत्तर प्रदेश की बहुत प्रमुख नदियों में से एक है और ये सब आपकी जलोढ़ मृदा का निर्माण, गोमती है, शारदा है, ठीक है ना दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तो अपने अंतिम समय में इसने अवध को कब्जा में लिया था। और जब अवध को कब्जे में लिया विलय नीति के तहत तो दोस्तों तभी से विद्रोह का आग बबूला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है। यहां से भी देख सकते हैं, नेट का पेपर हो या फिर टेट का पेपर हो, हम सबके लिए साथ खड़े नजर आते हैं, साथ खड़े नजर आते हैं। तो जो छात्र छात्राएं चाहें वह हमारे साथ भाग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है दोस्तों? 1018 जनगणना 2011, जी हाँ दोस्तों, अब पहुंचा है 1027, वह है दोस्तों जौनपुर मेरे भाई। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं, जौनपुर बहुत सभ्य शिक्षित और अपने आप में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जिले में से एक है, ठीक है ना दोस्तों। जौनपुर जिला, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में उल्लेखनीय है गोमती नदी के किनारे पर। जौनपुर जिले की आधारशिला किसी ने किसी की याद में रखवाई थी, ये चीज मैंने बताई थी आप सबको, जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो दोस्तों राजकीय पुष्प टेसू है, जिसे हम पलाश भी कहते हैं, जिसे हम क्या, पलाश भी कहते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, याद रखना। एक था राजकमल, राजकमल, जी हाँ दोस्तों, पुष्प आता है। एक बार बंबई से हमारे भैया के दोस्त आए थे और उनकी लड़की विदेश में थी, तो बोली थी कि पापा हमको राजकमल मतलब ला करके दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब वो राजकमल मिल ही नहीं रहा था। कमल के भी कई क्वालिटी होती हैं, मैंने नाम सुना है, देखा, जी हाँ दोस्तों, कह रहे थे कि मैं विदेश में अपने फ्रेंड को दूंगी। बाप रे, सोचिए इतना खतरनाक है दोस्ती, आप समझ नहीं सकते हैं, दोस्ती का कोई मोल नहीं होता, ये याद रखना दोस्तों। तो इस तरह आप समझ सकते हैं ना। तो बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ है दोस्तों? तो बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक जो है लखनऊ में है, ठीक है, नाम है भैया भूल भुलैया, जी हाँ दोस्तों, जाकर के देखिए तो सही, मजा आ जाएगा। भूल भुलैया कहीं भूल ही ना जाए, भटक ना जाए, जी हाँ दोस्तों, आप इस दरवाजे से जाएंगे उस दरवाजे में फंस जाएंगे और आप सोचेंगे कि हम निकल रहे हैं, ना दोस्तों, एक से बाद एक दरवाजा लांघते चले जाएंगे, इसीलिए इसका नाम है भूल भुलैया, ठीक है ना दोस्तों। जो अंदर एंट्री किया फिर घूमता ही रहा। उत्तर प्रदेश में माल एवं सेवा कर, जिसे हम GST बोलते हैं, कब लागू हुआ था? तो दोस्तों पिछली बार आप सब लोगों ने एक स्वर में आंसर दिया था। कंपटीशन में जरूर कराऊंगा दोस्तों, रोजाना कराता हूं, लेकिन महारिवीजन की क्लास में आप सभी लोग लगभग 99% बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वह भी प्रतिभा के बहुत धनी है, मैं देख रहा हूं कल से लगातार हमारे साथ कई नए बच्चे नई बच्चियां जुड़े हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है देख करके कि क्या बताऊं भाई, बढ़िया है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 GST, ठीक है ना दोस्तों, 1 जुलाई 2017 GST लागू, जी हाँ, पूरे भारत में ही इस डेट को लागू हुआ था, जी आपको जानना चाहिए, इसीलिए 1 तारीख को GST अर्थात गुड एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है, और पूरे भारत में लागू है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस
जिस नगर में से नहीं गुजरता है। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत बड़ी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत बड़ी घोषणा की थी और दोस्तों इसके तहत पूरे 9 शहर आते हैं, ठीक है, 9 बड़े बड़े पार्ट आते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह अपने आप में उल्लेखनीय है, अपने आप में उल्लेखनीय है। तो यहां से आपका जो बस्ती दे रहा है वह बस्ती नहीं है, गाजीपुर इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, यह याद करने लीजिएगा। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है दोस्तों वह शामली है, ठीक है ना दोस्तों, कौन सा है? शामली है। जबकि सबसे पूर्वी जिला है बलिया है क्या? सबसे पूर्वी जिला कौन है भैया? बलिया है क्या? तो यह याद रखना, बलिया में गजब के बिहारी भाषाएं भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी का बड़ा महत्व है यारो, ठीक है, और लोग बोलते भी हैं, अच्छा लगता है देख करके, ठीक है, बढ़िया प्यार से, खैला कि नहीं खैला, सुतला कि नहीं सुतला, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कुल जी हाँ क्षेत्रफल कितना है? जो हैंड पंप है उसका नाम है, याद रखना, चापाकल। और ये चापाकल भोजपुरी ही नाम से निकल के आया, बड़ा अच्छा लगता है भोजपुरी भाषा में, जी हाँ दोस्तों। तो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 240,928, जी हाँ दोस्तों, है 240,928। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का यह चौथा राज्य बन चुका है, पहले पांचवें स्थान पर आता था जब आंध्र प्रदेश का खंडन 2014 में नहीं हुआ था। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो दोस्तों, अब जब मैं ऐसे प्रश्नों का हल करा रहा हूं तो अब आपको यह बहुत सरल लग रही होगी ना, मजा आ रहा होगा कि अरे अब तो सब आ रहा है। यही मैं चाहता हूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो और आप आगे आए। पहले बढ़ना सीखिया चाहिए दोस्तों, घटना नहीं हमेशा हमेशा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मैंने आपको बताया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 राज्यों से लगती है। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है, नेपाल। लिखा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम रहा है दोस्तों? तो वह है मायावती का। मुलायम सिंह 3 बार बने हैं, मायावती 4 बार बनी हैं, यह बातें आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? तो राजेश जिंदल साहब हैं, ये अभी मैंने बताया है, राजेश जिंदल साहब, कल की ही क्लास में बताया है, यह याद रखने वाली बात है। राजेश बिंदल साहब है, बिंदल याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये भी बताया है कि 2019 से अर्थात लगातार पद पर आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात से संबंधित है दोस्तों, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वह आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश की भी काफी लंबे समय तक अर्थात राज्यपाल रही हैं। निम्न को क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाइए, निम्न को बढ़ते हुए लगाना है तो सबसे नंबर 1 पे हापुड़ आएगा, ठीक है ना दोस्तों, फिर भदोही आएगा, फिर शामली आएगा, फिर आपका गाजियाबाद आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 1 बनेगा, यह याद रखने वाली बात है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसका भाग है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश मैंने आपको भी बताया था, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लिखा है उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो पूरा भारत गोंडवानालैंड का है, तो भारत भी गोंडवानालैंड का ही होगा, यह याद रखिएगा। गोंडवानालैंड के पार्ट में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे पार्ट आते हैं, यह याद रखिएगा। हिंदी इंडिविजुअल का बैच घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं और इसको इंजॉय से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी ही नहीं अर्थात राम गंगा भी बिजनौर से ही
प्रवेश करती है मैदानी इलाके में, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, ये आपके बहुत शानदार है, सोनभद्र ही माना जाता है दोस्तों। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सभी लोग, आप जितना लोग हमको साथ दिए हैं, आज आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं दोस्तों। आप लोगों का जो मंडे से सैटरडे क्लास चलती है, लगातार हम आपसे बात करते हैं, बढ़िया से विस्तृत में पढ़ाते हैं। आप सभी लोग इसी तरह का प्रेम स्नेह रखे रहिए, नाराज मत होइएगा। अगर कभी कोई गलती भी हो जाए तो दोस्तों हम भी इंसान ही हैं, ठीक है, माता पिता भी, भाई भी, बड़े बुजुर्ग भी, गलती सबसे होती है। मान लीजिए कोई गलती है, कोई ऐसा शब्द निकल आया जो आपके दिल को आहत पहुंचा रहा हो, दुख पहुंचा रहा हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं भाई, इंसान तो इंसान ही होता है, ठीक है, और गलती ना हो ऐसा नहीं है, इंसान से गलती होती रहती है, हो सकता है हमसे भी हो जाए, तो माफी के पात्र हूं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। बढ़िया से मैं पूरा वादा किया हूं, आपके एक प्रश्न भी यहां से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कल हमारे पास है, बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया कि सर ऐसा है, आप थोड़ा सा सब लेवल के प्रश्न पढ़ाइए। हमने कहा हाँ बेटू जी, हम हर लेवल के प्रश्न पढ़ाएंगे, आप परेशान ना होइए। और देख लीजिए दोस्तों, इसीलिए मैं हर तरीके प्रश्न लेकर के आता हूं, ये महारिवीजन है। आप मंडे मतलब कल देखिएगा कि क्लास की कितनी खूबसूरती रहेगी और कैसे फंसाने वाले आपके सामने प्रश्न रहेंगे, जो पीसीएस आईएएस या रेलवे पुलिस रेल लेखपाल बीएड अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं, चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था, तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर के अंदर हुआ था। कहां पर? गोरखपुर के अंदर हुआ था। तानसेन का मकबरा कहां है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। यह भी पूछा जाता है तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो यह कमेंट्स आपको करना जरूरी चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रही है, तो वह रही है गौतम बुद्ध नगर, फिर ये सब बाद में स्थान आता है। लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों जनसंख्या से कहानी स्टार्ट होती है, जनसंख्या पे जाके द एंड होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जनगणना 2011 का डाटा, 2021 का डाटा, 16वीं जनगणना का, आजादी के बाद से 8वीं जनगणना का डाटा आने वाला है और वह आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह आप सब लोगों ने जो प्रेम दिखाया, स्नेह दिखाया, उससे हम आपके आभारी हैं। और इसी तरह मौज के साथ क्लास लेते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम साहब, स्नेहा जी, ठीक है ना दोस्तों, जितने भी नैतिक साहब, उत्तम साहब, कुलदीप साहब, जी हाँ दोस्तों, नीलेश साहब, सतीश साहब, बनारसी बाबू जी, प्रियंका जी, प्रियंका प्रजापति, प्रियंका गौर, प्रियंका ठाकुर, जी हाँ बहुत सारे, प्रिंस रघुवंशी साहब, इतने सारे, कुसुम कश्यप साहब, जी हाँ जिया जिया जी, इतने सारे बच्चे हमारे साथ जब जुड़ करके अपना स्नेह प्यार, जिन लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हैं वो आज माफ कर देंगे, मंडे का नाम जरूर सबका लिया जाएगा। दोस्तों आज यहीं पर हमें रोक दीजिए, फिर इजाजत दे दीजिए कि महोबा है, याद रखिएगा दोस्तों, और सबसे बड़ा जनसंख्या में अपना इलाहाबाद प्रयागराज है। तो ये था हमारा आज की पूरी कहानी दोस्तों। अभी बुक ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के। मैं दोस्तों निवेदन करता हूं, जो छात्र छात्राएं बुक ना लिए हो वो लोग ले लें, क्योंकि यह पुस्तक बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ज्ञान कितना मिलता है ये याद रखिएगा। हर बुक कहते बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह कई पुस्तकों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, तभी दोस्तों सागर बनता है आपके ज्ञान का, और वह सागर आपके अंदर बने। मैं चाहता हूं दोस्तों हर प्रतिभावान छात्र पढ़े पुस्तकों को, जितना पुस्तक आप पढ़ेंगे उतना ज्ञान में वृद्धि होगी, यह याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास बेटा, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे बात करिएगा कल, क्योंकि आज ऑफिस बंद है, सिर्फ मैं लाइव क्लास लेने आया था, आप सबका स्नेह प्यार था दोस्तों। यहीं पर मैं अपनी क्लास को दूंगा विदा।
जी हाँ दोस्तों, दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।